ओम शांति। आज की तारीख है 11/1/20 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, हम जानते हैं कि परम प्रिय परम पिता परमात्मा जो हमें श्री बनाने वाले हैं, श्री अर्थात श्रेष्ठ, क्योंकि स्वयं श्री श्री है, तो हम बच्चों को भी श्री लक्ष्मी नारायण या श्री राधे कृष्ण समान हमारा जीवन बनाते हैं, चरित्र ऊंचा उठाते हैं। तो आइए सुनते हैं कि मीठे मीठे शिव बाबा हम बच्चों को क्या श्री मत देते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम एक बाप के डायरेक्शन पर चलते चलो, तो बाप तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है। एक बाबा की श्री मत पर हम चलें तो हमारा जवाबदार बाबा है। बाप का डायरेक्शन है चलते फिरते मुझे याद करो। प्रश्न है, जो अच्छे गुणवान बच्चे हैं उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? कैसे हमें पता चलता है कि ये बहुत गुणवान है, ये अवगुणी है, ये व्यसनी है, ये बातूनी है, ये शांत है? तो बाबा कहते हैं उनकी कुछ निशानियां होती हैं। तो अच्छे गुणवान बच्चों की कौन सी मुख्य निशानियां होती हैं जिनको देखकर हम उन्हें अच्छा कहते हैं? उत्तर है, वह कांटों को फूल बनाने की अच्छी सेवा करेंगे, किसी को भी वो कांटा नहीं लगाएंगे, अर्थात दुख नहीं देंगे, हर एक दुखी को सुखी करने के यत्न में रहेंगे, कभी भी आपस में लड़ेंगे नहीं, किसी को भी दुख नहीं देंगे। दुख देना भी कांटा लगाना है। गीत बजा है, ये वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। धारणा के लिए मुख्य गीता के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक है, एक तो बाप की याद से मोस्ट लवली बनना है, यानी अति प्रिय बनना है सभी का। चलते फिरते कर्म करते याद में रहने की प्रैक्टिस करनी है, बाप की याद और खुशी में प्रफुल्लित रहना है, यानी हर्षित मुख रहना है। नंबर दो है, कदम कदम ईश्वरीय डायरेक्शन पर चल, हर कार्य को करना है। अपनी मगरूरी, मगरूरी माना दे अभिमान का नशा दिखाना, अभिमानी का जो नशा होता है ना, अभिमानी का जो उस समय का चेहरा होता है वो मगरूरी का होता है, तो ऐसा मगरूरी अपनी नहीं दिखानी है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है और मुंझना नहीं है। वरदान सतगुरु का, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ, समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचयिता भव। स्पष्टता है, विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया, खाया और गवाया, ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचयिता
भव के वरदान को स्मृति में रख समय और शक्ति का स्टॉक स्वयं प्रति जमा करो, अर्थात जहाँ हमें शक्तियाँ यूज करनी है, जिस समय यूज करनी है हम उस समय ही उसको यूज करें, व्यर्थ में न समय गवाएं और न ही हम अपनी शक्तियों का खर्च करें। स्लोगन है, महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क, फरिश्ता व अव्यक्त जीवन की विशेषता है इच्छा मात्रम अविद्या। अब स्वयं को चेक करना है, जितना जितना हम इच्छा की इच्छाओं से परे होते जाएंगे उतनी उतनी हमारी स्थिति अव्यक्त और फरिश्ता समान बनती चली जाएगी। देवताई जीवन में तो इच्छा की बात ही नहीं, जब ब्राह्मण जीवन से फरिश्ता जीवन बन जाती अर्थात कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो जाते तब किसी भी शुद्ध कर्म, व्यर्थ कर्म, विकर्म व पिछला कर्म किसी भी कर्म के बंधन में बंध नहीं सकते। ये बात याद रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.